मेरा प्रेस क्लब अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान से ही हक उठाता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की वादियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान रखता हूँ। डेरा प्रेस क्लब के आइन के तहत मुझे जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, आइन के तहत मुझे जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, आइन के मुताबिक इस पर अमल करूंगा और डेरा प्रेस क्लब के आइन और फैसलों का पाबंद रहूंगा। अपने नाम से किसी सूरत इनकार नहीं करूंगा। डेरा प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियों ऐसे तरीके से निभाऊंगा। आमीन। जो आपके नुमाइंदे होते हैं वो जाते हैं और किसी चीज़ के लिए आपके लिए डिमांड करते हैं, अगर वहाँ पे आपके अपने मसाइल वहाँ पे सामने उजागर हो तो हमारे लिए मसला बनता है। आपस की लड़ाई उधर से फंड लाने के लिए, आप लोगों के लिए मराहत लाने के लिए, आपके मसाइल को हल करने के लिए, ग्रांट के लिए मसला बनता है। तो मैं सबसे ही गुजारिश करूँगा कि चूँकि प्रेस क्लब के दरवाजे सबके लिए खुल चुके हैं तो आप अपनी वो दूरी खत्म करके सब एक पेज पर हों, क्योंकि इंशाल्लाह जो ग्रांट की बात उन्होंने की है मैं हैरान करता हूँ। 20 लाख की ग्रांट की बजाय 40 लाख रुपये की ग्रांट इंशाल्लाह डी खान का सब डी खान के जितने भी साफ़ी हैं हमारे, इन सब को जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है जिसने बहुत बड़ा एक लीव दे दी है गवर्नमेंट 50 लाख घरों वाला, उस पर काम शुरू हो चुका है। डी खान हमने जमीन इंशाल्लाह दे दी है उनको, वो जो घर बना रहे हैं इंशाल्लाह उन घरों के अंदर इंशाल्लाह तमाम डी खान के साफियों को घर इंशाल्लाह दिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान भी कर दिया है कि सेहत के हवाले से जो सहूलियात हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह तमाम पूरे सूबे के लोगों को अब इंशाल्लाह फ्री इलाज मिलेगा। बिजली का मुआयदे हुए पड़े हैं इस लेवल के कि जिसके अंदर 100 रुपए की खरीद रहे हैं और 30 रुपए की बेच रहे हैं, और उस 30 रुपए भी माशाल्लाह हमें से कितने लोग 100% बिल दे रहे हैं अपने गरीबान में अगर छाके तो बस छोड़ दें बात, मैं डिटेल में जाता ही हूँ। उस 30 रुपए में भी हमारी चोरी शामिल है। अब मुझे बताएं दुनिया की कोई दुकान कोई बैंक जा सकता है कि 100 रुपए की चीज़ खरीदे और 30 रुपए में बेचे। अब गैस का मसला है, मेरी बहनें बैठी हैं, गैस का पाइप के पाइप बिछाए गए हैं इलेक्शन में, पाइप के पाइप हर इलेक्शन में, लेकिन कोटा नहीं हाँ नहीं बढ़ाया गया। अब मुझे आप ये बताएं 5 रोटियों का कोटा है और आपने 50 बंदों को एक बंदे की खुराक बांट दी है तो 50 बंदों में सारी बार किसी को मिलेगी नहीं। अब माशाल्लाह पर गैस का कोटा भी बढ़ा दिया गया है, आपका गैस का इधर से भी लाइन आएगी इंशाल्लाह एक और आप इधर का दिखा सी, मैं एक लाइन लेके आ रहा हूँ क्योंकि पंजाब का प्रेशर बेहतर है, यहाँ पे करक और खुआर और रंग में चोरी ज्यादा है, एक लाइन पंजाब से भी आएगी, एक लाइन यहाँ से भी और आएगी और जब तक आपका कोटा नहीं बढ़ेगा आपका गैस का मसला हल नहीं होता। इंशाल्लाह डी खान की मुकम्मल हर घर में गैस भी पहुंचेगी और प्रेशर के साथ पहुंचेगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। इमरान खान ऐसे नहीं कहता मसल की रियासत डी खान नहीं, पाकिस्तान में कोई भी बंदा भूखा नहीं सोएगा। हम एक ऐप लगा रहे हैं जिसके अंदर अगला फोन करेगा कि मेरे घर में खाना नहीं है उसको खाना पहुँचाया जाएगा, यह है मदीना की रियासत। इस वक्त 28,000 खानदान को इस वक्त 12,000 रुपए 600 रुपए नहीं ज़कात की मद में बांट के दिए जा चुके हैं खामोशी से। इमरान खान ने मना किया है कि बोर्ड नहीं लगाना, ये पैसा मेरा है आपका नहीं है, अपने पैसे पे बोर्ड लगाओ, ये अवाम का ही पैसा है, अवाम को ही देंगे इंशाल्लाह। आपके तमाम जितनी आपकी इंशाल्लाह खवातीन हैं हमारी बहनें बेटियाँ जब भी प्रेगनेंसी उनकी होगी उनको हर महीने वजीफा मिलेगा ताकि बच्चे को अच्छी खुराक मिल सके। फिर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तमाम बच्चों को 2,000 रुपए महीना दिया जाएगा। ये तमाम हालात पैसे से होंगे और ये वो पैसा है जो हम बचा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका शहर पाकिस्तान का एक मॉडल शहर बनेगा। मेरा डी खान का वादा था इंशाल्लाह मैं डी खान को फ्लाईओवर में लेके जाऊँगा, आपके फ्लाईओवर भी बन रहे हैं इंशाल्लाह, आपके डी खान में मजीद इंशाल्लाह काम होंगे। मैं आखिर एक बार फिर सबका शुक्र गुजार हूँ, आप सब लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो हमारी नई इंशाल्लाह काबीना बनी है उसे उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि मिलकर चल के इंशाल्लाह काम होगा।